Welcome to my class. I am Shivam Pandey and I am going to teach science chapter 1st, matter in our surroundings for class 9th. I have already completed 3 parts and this one is part 4. So I request you watch that videos so that you understand the things very clearly. If you directly want to watch this video, you will not understand everything what they are. Okay, तो previous video के बाद हमने बात की थी कि हम जो questions हैं उसको हम अगली video में करेंगे, आपको मैंने बोला था. तो चलो हम question पे आ जाते हैं. First question है, the mass per unit volume of substance is called density. किसी भी पदार्थ का, ठीक है, एक निश्चित आयतन पे जो भार होता है, ठीक है, एक निश्चित मास पे जो भार होता है हम उसको उसकी डेंसिटी कहते हैं. अब आप लोग कहेंगे वॉल्यूम क्या होता है, तो चलो मैं समझाता हूँ वॉल्यूम होता क्या है. जैसे मान लो मैंने एक क्यूब ले लिया, एक दूसरा भी ले लिया ऐसे, क्यूब बनाना सबको आता है ना, आप देख रहे हैं ना क्यूब. मान लो मैंने ऐसा एक आयरन का ले लिया, ऐसा एक वुड का लिया, ऐसा एक ब्रिक का लिया, तो भाई सबका साइज सेम होगा, सब सेम साइज़ वाले होंगे. लेकिन अगर हम उसको वे करेंगे ना, तो उसे हम उसका मास चेक करेंगे, तौलेंगे, तो तौलने पे पता चलेगा कि आयरन वाले का मास क्या है, ज़्यादा है, ठीक. उसके बाद क्यों किस कौन आएगा, आयरन वाले के बाद आ जाएगा ब्रिक और आखिरी में आ जाएगा वुड. जब वुड का मास देखोगे सबसे कम निकलेगा, उतनी ही बड़े साइज़ का टुकड़ा रहेगा. तीनों का सेम साइज़ का टुकड़ा लेना है, सेम साइज़ का, ठीक, डिप अलग अलग साइज़ का नहीं होना चाहिए. और उसके बाद सबको तोलना है, तो तोलने पर देखेंगे कि आयरन वाले में मास ज़्यादा है, उसके बाद ब्रिक में है, उसके बाद वुड में है. तो ये जो एक निश्चित वॉल्यूम पे हम चेक कर रहे हैं कि वॉल्यूम तीनों का सेम था, आयतन तीनों का सेम था, लेकिन सब में मास डिफरेंट डिफरेंट है. तो जब उस मास को उस वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है तो हमको एक टर्म मिल जाता है, ठीक है, डेंसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं घनत्व. तब हमको उसका घनत्व मालूम पड़ता है कि किसका घनत्व ज़्यादा है. तो अब आपको शायद समझ में आ गया कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, कि किसी भी चीज़ का जो मास है उसको ऊपर रखना है और जितना उसका वॉल्यूम है उसको नीचे रखना है और डिवाइड कर देना है. डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी उसको हम डेंसिटी बोलेंगे. ओके, क्वेश्चन में आगे है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी. इनको आप डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में रख दो. किसको रख दो, एयर दिया है, एग्जास्ट फ्रॉम चिमनी दिया है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे चिमनी लगी होती है जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, फिर हनी है, वाटर है, चाक है, कॉटन है, रुई और आयरन, इनको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में. तो भाई इन सब में सबसे कम डेंसिटी तो मेरे हिसाब से एयर की होने वाली है. पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा. एयर के बाद अब दूसरे नंबर पर हम यहाँ पर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज रखेंगे. कुछ लोग कहेंगे सर एयर से ज़्यादा क्यों है, तो भाई जो चिमनी से धुआं निकलता है उसमें केवल गैसेस नहीं होती बल्कि उसमें कार्बन भी होता है, ठीक है, कार्बन के कण होते हैं और कार्बन के जो कण होते हैं उसको क्या करते हैं, भारी बना देते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी एयर से ज़्यादा हो जाती है. तो भाई पहला एयर, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा एग्जॉस्ट गैसेस, अब तीसरे नंबर पे हम किसको रख दें, तो यहाँ पे एयर एग्जॉस्ट गैसेस को हमने रख लिया. अब हनी है, वाटर है, चॉक है, कॉटन है और आयरन है. तो भाई जो कॉटन होता है ना उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम होती है, चॉक की डेंसिटी, ओ सॉरी, कॉटन की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो हम रखेंगे अब कॉटन. कॉटन के बाद आ जाएंगे भैया जी वाटर. अब वाटर के बाद बारी आ जाएगी आपके हनी की.
हनी के बाद बारी आ जाएगी चौक की। चौक के बाद बारी आ जाएगी आयरन की। लो भाई, तो इनकी डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख लिया कि सबसे कम एयर होगा, ठीक है, एयर से अधिक हो जाएगा एग्जॉस्ट। रीजन क्या है कि जब भी कुछ जलता है तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, इसलिए वह एयर से क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा होगा कॉटन, ठीक है, कॉटन की डेंसिटी फिर वाटर से कम है, तो कॉटन के बाद वाटर आ जाएगा, वाटर के बाद वाटर से ज़्यादा डेंस है हनी, और फिर हनी के बाद आएगा चौक, और चौक के बाद आएगा आयरन। ये हो गया इनका ऑर्डर। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, टेबुलेट द डिफरेंसेज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के जो अलग अलग स्टेट्स हैं इनमें डिफरेंस को लिखना है टेबल बना के। तो आपको अपनी कॉपी पे टेबल बनाना है, ठीक, टेबल में सॉलिड लिक्विड गैस लिख लेना है अलग अलग पोर्शंस में। अब सॉलिड पे आएंगे तो सॉलिड हैज डिफिनिट शेप, लिक्विड हैज इनडिफिनिट शेप। भाई सॉलिड का आकार निश्चित होता है, डिफिनिट शेप मतलब निश्चित आकार, टेबल जैसा है वैसा ही रहेगा, आप छू लो या कुछ भी करो कोई चेंज वेंज नहीं आने वाला है, ठीक। और उसके बाद लिक्विड पे आ जाएंगे तो लिक्विड को तो हम जिस बर्तन में डालते हैं उसी का शेप ले लेता है, तो लिक्विड जो है आपका उसका भी शेप क्या है, फिक्स नहीं है। सॉलिड में लिखा डिफिनिट शेप, तो लिक्विड में लिखोगे लिक्विड हैज़ नॉट डिफिनिट शेप। उसके बाद आ जाओ गैस पे, तो गैस का भी शेप निश्चित नहीं होता है, जैसे कंटेनर में डालते हैं वैसा शेप ले लेता है। अब नीचे आएंगे दूसरा पॉइंट, सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड का आयतन निश्चित होता है, ठीक, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप लोगे जितना मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब या लीटर वीटर आएगा वो फिक्स रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। लिक्विड पे आ जाओगे तो लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स ही रहता है। लिखोगे सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम, मतलब लिक्विड के साथ अगर आप एक लीटर पानी लेते हो चाहे जिस बर्तन में रखो, बॉटल में रखो, ग्लास में रखो, थर्मस में रखो, प्लेट में रखो, किसी भी चीज़ में रख दो, जिसमें रखोगे वह एक लीटर ही रहेगा, उसमें कमी आने वाली नहीं है। तो लिक्विड में लिखोगे लिक्विड है फिक्स वॉल्यूम। गैस की पे आ जाओ, भाई गैस पे लिखोगे कि गैसेस हैज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब गैस का दोनों ही फिक्स नहीं है। सॉलिड पे आ जाओगे, सॉलिड पे लिखोगे नॉट कंप्रेसिबल, गैस कंप्रेस नहीं हो सकता। लिक्विड पे भी लिखोगे नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होगा। गैस पे लिखोगे कंप्रेसिबल। तो ऐसे तीन चार पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, लिख देने हैं इनके बारे में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, आपको इन पे टिप्पणी करना है, मतलब इनके बारे में कुछ ना कुछ बताना है। पहला पॉइंट है रिजिडिटी, रिजिड मतलब होता है कठोर, तो रिजिडिटी मतलब कठोरता। तो आप किन चीज़ों को कठोर कहोगे, भाई जो सॉलिड हैं, देख रहे हैं सॉलिड वाली जो चीज़ें हैं, जितनी सॉलिड्स हैं इनको आप कितना भी प्रेस करो ये प्रेस नहीं होती हैं, अगर फोर्स आप जरूरत से ज़्यादा अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी एकदम है ही नहीं, जो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, बहुत पास पास हैं, ठीक, लेकिन अगर जरूरत से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, वहीं से ब्रेक हो जाएगा, उन्हें हम रिजिड कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को ही रिजिडिटी कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है कंप्रेसिबिलिटी, दूसरे नंबर पर क्या आता है, कंप्रेसिबिलिटी। तो भाई कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है, जिस चीज़ को आप दबा लेते हो, ठीक है, दबाते हो दब जाती है, तो कहते हो भाई ये कंप्रेस हो रहा है, जैसे रबर बैंड ले लो, बलून ले लो, स्पंज ले लो, ठीक, इनको आप दबाओगे आराम से ये दबेंगे, मतलब इनमें कंप्रेसिबिलिटी है, कमेंट करना है, मतलब आपको इसको समझाना है। अगला है फ्लूइडिटी, फ्लूइड मतलब इन सब चीज़ों को हम फ्लूइड कहते हैं जो बहती हैं, ठीक, मतलब उन्हें प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, तो अब स्पेस भी है, खाली जगह भी है उनके बीच में, वो मोशन भी कर रहे हैं, इसकी वजह से उसको आप रख दोगे तो धीरे धीरे अपने से ही क्या कहेगा, कहेगा बहना शुरू हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को हम फ्लूडिटी कहते हैं। किस में होता है प्रॉपर्टी, लिक्विड्स और गैसेस में फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर, अगर आप गैस कंटेनर को भरो इसके बारे में क्या कहोगे, तो भाई गैस कंटेनर को भरने जाएंगे ना तो बड़ा जल्दी कंटेनर जो है गैस से भर जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी गैस डाल दोगे तो ऐसा फील होगा कि पूरा कंटेनर भरा हुआ है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, तो जैसे ही आप अंदर गैस को भेजोगे वो एकदम दूर दूर फैल जाएंगे, पूरा कंटेनर फिल कर देंगे, तो यही होता है गैस कंटेनर को भरने का। ओ अगर ज़्यादा गैस भरनी है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाना है तो उसी कंटेनर में ज़्यादा गैस भी आ जाएगी, मतलब जैसे देखो कि हम एक टैंक लेके आते हैं 5 किलो का, मान लो LPG का छोटा वाला,
ठीक है, उसमें 5 किलो गैस भरा है, तो 5 किलो वाले में भी उतना ही रहता है, उसमें गैस 2 पे आ जाती है तो भी उतना ही रहता है, 3 पे आ जाती है तो भी उतना रहता है। तो गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, जब ज़्यादा गैस रहता है तो प्रेशर के अंदर रहता है तो ज़्यादा आ जाता है, प्रेशर कम होने लगता है, ठीक है, तो गैस कम भले हो जाता है, पार्टिकल दूर दूर फैले रहते हैं। अब आता है शेप, अब यहाँ पे शेप नहीं बता रहा है कि किसका शेप, तो अगर शेप की बात करेंगे, सॉलिड का शेप क्या होगा, फिक्स होगा, नहीं बदलेगा, सॉलिड का आकार नहीं बदलेगा। लिक्विड की बात कर लो, लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता, जिस बर्तन में डालोगे उसका शेप ले लेगा। आखिर में गैस भी आते हैं, जो गैसेस होती हैं, ठीक, उनका भी आकार फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में डालते हो उसका आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है, ठीक है, मोशन के दौरान गति करता है, ठीक है, जब चलता फिरता है, आप चलते हो ना, जब आप चलते हो तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, साइकिल चक्का चलता है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, कार चलती है उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज़, ठीक है, नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, उस दौरान उसके पास जो एनर्जी होगी, ठीक है, या उस मोशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी बात करनी है तीनों की, सॉलिड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, उससे ज़्यादा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल्स में होती है, और उससे भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसियस पार्टिकल्स में होती है, इसलिए एकदम ये घूमते रहते हैं, फ्री होते हैं। आखिर में क्या है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है भाई, अभी ऊपर ही तो पढ़े हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, एक निश्चित वॉल्यूम पे, एक निश्चित आयतन में, आयतन पे जितना मास प्रेजेंट है, जैसे बोला था ना, सेम साइज़ का लकड़ी का टुकड़ा लो, ब्रिक का लो, आयरन का लो, सबको मेजर करो, तो सबसे ज़्यादा जिसके पास मास है उसकी डेंसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, एक फिक्स वॉल्यूम से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गिव रीजन, कारण बताओ। तो भाई पहला है अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज किप्ड, कह रहा है एक गैस जो है जिस बर्तन में रखा जाता है उसको पूरी तरह से भर लेता है, ऐसा क्यों होता है। तो हमने पहले ही बात की है कि जो गैस के कण होते हैं उनके बीच में खाली जगह बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एकदम दूर दूर होते हैं, ये कहो दो ना कि ऐसे मैंने एक डब्बा चलो बना दिया, पीछे इमेज याद होगी आपको, एक कण यहाँ है तो जो एक जनाब है यहाँ है, एक कोई यहाँ पड़ा है, कोई एक यहाँ पड़ा है, कोई एक यहाँ है, कोई एक यहाँ है, इतना इनमें दूरी होती है कि पूरे डब्बे भर में देख रहे हो 6-7 कणों में ही पूरा डब्बा भर जा रहा है, इतना गैप है, इसलिए जिस कंटेनर में डालते हैं इतना एक दूसरे दूर दूर फैल जाते हैं कि कंटेनर को पूरी तरह से भर देते हैं। दूसरा सवाल फिर से आ रहा है कि अ गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, गैस जो है कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है। अब भाई कहोगे प्रेशर क्या होता है, भाई किसी भी निश्चित एरिया पर जो फोर्स अप्लाई होता है, जैसे डेंसिटी निकाले है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वैसे ही प्रेशर इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, एक निश्चित क्षेत्रफल पर जितना बल लगाया जाता है, ठीक है, तो जब हम बल को उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देते हैं, फोर्स को जब हम उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलता है हमको, प्रेशर मिल जाता है, हमको दाब मिल जाता है। सवाल ये है कि जो गैस है वह जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसकी दीवारों पर प्रेशर लगाता है, दाब लगाता है, तो बिल्कुल लगाता है, क्या कारण है। भाई बताया था ना कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक है, वे ऐसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे भागते फिरते हैं, इस जगह स्थिर नहीं होते हैं, तो जब इस तरीके से भागते हैं तो जाके दीवारों से क्या करते हैं, टकराते हैं, टकराने पे वहाँ पे क्या लगता है, फोर्स लगता है, तो एक निश्चित एरिया में जब फोर्स लगता है तो उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो इसलिए जो गैस है अपने मोशन के कारण, ठीक है, कंटेनर के वाल पर प्रेशर लगाता है। अगला सवाल है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, एक लकड़ी के टेबल को हम सॉलिड कहेंगे, क्यों कहेंगे भाई, लकड़ी का टेबल जो है ना उसका आकार निश्चित होता है, उसको हम दबाएंगे या इधर उधर कुछ भी करेंगे उसका आकार बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या, ट्राई कर लो, सबके आसपास होगा, ठीक है, हाथ से दबा के प्रेस करो कि आपके दबाने से लकड़ी का आकार बदल रहा है, मुड़ जा रही है, घूम जा रही है, ठीक, जैसी उसकी लंबाई चौड़ाई उसमें कोई बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक, तो बात यही है कि वो एक सॉलिड है, सॉलिड का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है, मतलब आयतन निश्चित होता है, इसलिए
जो लकड़ी का टेबल है उसको हम सॉलिड कहेंगे। अगला है, वी कैन नाउ वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। कह रहे हवा में, हवा में देखो इतना बढ़िया अपना हाथ ऐसे से मूव करा लेती हूँ, करा रहे हो ना, देखो हो रहा है हाथ मूव आराम से हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन यही सेम काम अगर आपको लकड़ी के टुकड़े पे करना हो कि लकड़ी का टुकड़ा रहे, फिर कहेंगे लो भैया इसको ऐसे पार कराओ, ठीक है, तो देखोगे कि लकड़ी के टुकड़े पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके लिए कराटे एक्सपर्ट आएगा और एक किक मारेगा, वहीं से वो टूट के अलग हो जाएगा, हाथ उसका उस पार निकल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो भाई एयर एक गैस है जिसमें पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है, एकदम पार्टिकल दूर दूर है, खूब खाली जगह है, आराम से आप हाथ को मूव करा दो, मूव कर जाएगा, ठीक। कणों के बीच में कोनो बल नहीं लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई है ही नहीं, ठीक है, एकदम फ्री हैं। तो आप अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो आपको भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा उन्हें दूर करने के लिए, क्योंकि जानते हो ना जहाँ पे फोर्स होगा दो लोगों के बीच में अगर खूब ज़्यादा बाउंडिंग है तो उन्हें अलग करने के लिए आपको उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, अगर जितना ज़्यादा उनके बीच में बल होगा। अब उनके बीच में बल ही नहीं है तो आपको कौन सा बल लगाना पड़ेगा? आपको कोई बल ही नहीं लगाना पड़ेगा, बड़े आसानी से अलग हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम लकड़ी के टुकड़े की बात कर रहे हैं तो एक सॉलिड है, ठीक, वहाँ पे कणों के बीच में बल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सारे कणों एक दूसरे को बहुत कस कस के पकड़ रखा है, भाई छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, करें ना नहीं छोड़ेंगे। अब जब आपको यहाँ पे अपना हैंड मूव कराना होगा, मतलब कि उनके बीच में जो बल लगा हुआ है अच्छा वाला, आपको उस बल से ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब जाके वे अलग होंगे, तब आपका हाथ उस पार जाएगा। ऐसा हर कोई कर नहीं सकता, कराटे एक्सपर्ट जो हैं वे फास्ट होते हैं, वे जल्दी से उतना फोर्स अप्लाई करेंगे तो उनका हाथ उस पार चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटीज एज कम्पेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। कह रहा है कि आप जानते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वह सॉलिड से कम होती है, लिक्विड का घनत्व सॉलिड से कम होता है, सही बात है। पानी रखेंगे, लोहे का टुकड़ा रखेंगे तो लोहे के टुकड़े की डेंसिटी ज़्यादा होगी, पानी की कम होगी। कह रहा है लेकिन आप सबने देखा होगा कि पानी के ऊपर बर्फ तैरता है, आप बर्फ जमा दो, ठीक है, बर्फ़ का सिली लेके आओ, आप सबने देखा होगा शादी वादी में पानी ठंडा करने को बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े आते हैं और उसको टैंक्स में डाल दिया जाता है कि पानी ठंडा रहे सबको पीने के लिए, बरातियों को पीने के लिए। तो आप देखे होंगे कि जो बर्फ़ है ऊपर पिघल ही रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? बात यह है भाई कि जब पानी जम के बर्फ़ में बदलता है उस दौरान पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं भाई, उनके बीच में एक बंध होता है, बंधन बनता है। अब बंधन इस तरह से बनता है कि वहाँ पर अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है। अब पानी का मास कम है और वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा, इसलिए डेंसिटी क्या हो गई, कम। मतलब कि पानी लिक्विड लेंगे उसकी डेंसिटी आपको मेजर करने पे क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम में उसका मास आपको ज़्यादा मिल जाएगा। वहीं पर आप बर्फ़ ले लोगे तो उसी निश्चित वॉल्यूम में बर्फ़ का मास क्या होगा, कम आएगा। रीजन क्या है, उसका आकार, जब वह पानी से बर्फ़ बना था तो उस बनने के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बस बता रहा हूँ कि अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया, लेकिन मास तो उतना ही था, तो अब ज़्यादा वॉल्यूम हो गया और मास क्या हो गया, कम, तो डेंसिटी हो गई कम, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो बच्चों मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बल्कि हमारे ये वीडियो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, आपकी बुक के क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस कराया इस पूरी वीडियो के अंदर, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो रहेगा, ठीक, और आगे हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।